विंटर खत्म होने वाला है और बसंत ऋतु आने वाले हैं, तो इस समय अपने सारे पेड़ों पर एक खास तरह का ध्यान देना चाहिए आपका। जैसे कि इसके जो खरपतवार है उसे हटाना होगा। किसी किसी प्लांट में आपको नए सॉइल, जो जिसको ज़रूरत है उसको सॉइल बदल कर नए सॉइल देना है, और जिसका सॉइल अभी ठीक है उसको, जो अभी जो उसको ग्रोथ का टाइम है, तो ग्रोथ सपोर्ट करने के लिए आपको उसे ऑर्गेनिक खाद देना शुरू करना होगा, जो विंटर में हम लोग नहीं दिए थे। अभी फ्लावरिंग का सीजन आने वाला है, तो इस समय पेड़ को खास कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपका पॉट में पेड़ उगाए जाते हैं, तो इसके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट आपको देना पड़ता है। जैसे कि देखिए, ये जो बोगनविलिया का मिट्टी मैं ऐसे खरपतवार निकाल के, देखिए यहाँ कितने सारे पड़े हुए हैं। ये गुड़हल का हिबिस्कस का जो मैं कुछ दिन पहले जिसे प्रून किया था, देखिए उसका ग्रोथ शुरू हुआ है, नए ग्रोथ। तो अभी हम इसको फिर से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसमें हम डाल रहे हैं। ये भी देखिए, ये बोगनविलिया का मेरा पेड़ जो है, आप पहचानते हैं इसको, इसमें भी हम खरपतवार निकाल के इसे अभी हम सॉइल में इसका ऑर्गेनिक खाद रिचार्ज नहीं किया है। ये जो खरपतवार है निकालने के बाद देखिए कुछ ऐसा है जो रह गया है, तो इसे दो चार दिन पानी नहीं देने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी मॉइस्चर है पानी में, मिट्टी में। तो क्या होगा, ये जो अभी धूप, थोड़ा जो कड़वा धूप आ रहे हैं, इसमें इसका ये जल जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो पेड़ के लिए अच्छा होगा, फिर से खरपतवार उतना नहीं आएगा जितना था। तो ये ड्राई होने के बाद हम इसमें देखिए, ये ड्राई होने के बाद हम इसमें ऑर्गेनिक खाद डालकर इसे वाटरिंग करूँगा दो चार दिन बाद। लेकिन ये हिबिस्कस जो है इसे तो ज़्यादा दिन पानी नहीं दे के नहीं रख सकते हैं, तो इसमें अभी मॉइस्ट है, इसमें ऑर्गेनिक खाद डाल दिया, इसे भी एक दो दिन में हमको वाटरिंग करना होगा। ये दूसरा हिबिस्कस है, ये ऑरेंज कलर के हैं, ये बहुत ही सुंदर फूल देते हैं। यहाँ भी देखिए दो हिबिस्कस है जिसमें बड्स है, अभी फ्लावरिंग दे रहे थे, थोड़ा इसे भी खाद का कमी हो गए हैं, देख सकते हैं पत्ते पीले पड़ गए। तो यहाँ भी हम मिट्टी थोड़ा सा गुड़ाई करके इसमें हम खाद डालेंगे। देखिए ये रूट्स अब देख रहे हैं, तो यहाँ हमको ऐसे एक इंच तक, ज़्यादा नहीं, एक इंच तक गुड़ाई करके इसमें खाद डालना है। इस तरह से मिट्टी को सेंटर में लाइए, फिर ये मिट्टी के साथ जो देख रहे हैं आप, सिंगर मिला के इसको पॉटिंग किया गया है, तो इसमें मिट्टी लॉन्ग टाइम इसमें सॉइल चेंज ना करे भी तो भी चलता है, क्योंकि इसमें ऐसे इसमें पोरोसिटी है,
जो खाद मैं ऊपर डाल रहा हूँ ये आराम से नीचे तक पहुंच जाएगा। ये कुछ रूट ऐसे जो लॉस हो रहा है पेड़ का, इसमें कोई चिंता का बात नहीं है। ये फिर से ग्रो हो जाएगा और रूट प्रूनिंग भी थोड़ा होना चाहिए। कभी कभी रूट ऐसे प्रून होने से नए रूट ग्रो होते हैं और नए रूट पेड़ को हेल्दी रखता है। देखिए ये अभी मॉस्ट है, पानी देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ देखिए ये जो जूनिपर का एक स्पीसीज है जो मैं इसमें मेरा जो ये जो बड़ा जूनिपर जो मेरा है इसी का प्रूनिंग करके एक छोटा सा टेनी मैं इसमें डाल दिया था, लगा दिया था। देखिए एक इधर भी है, एक इधर भी है, ये मैं करता रहता हूँ ऐसे एग्जिस्टिंग गमले में मैं इसे दे देता हूँ। कुछ परसेंटेज तो इसमें हमको मिलता है जो रूटिंग हो जाते हैं अच्छे से। इस पेड़ का भी देखिए सिंडर में ये हम लगाए हैं, ये ज़्यादातर मेरा हिबिस्कस, ज़्यादातर हिबिस्कस मैं सिंडर में ही पॉट कर रहा हूँ और मुझे रिजल्ट भी सेटिस्फैक्टरी मिल रहा है। अच्छे से इसमें खाद देना होगा क्योंकि अभी इसका ग्रोइंग सीजन है, फ्लावरिंग सीजन भी आने वाला है, कुछ ही दिनों में इसमें बर्ड्स आ जाएंगे। और एक मेरा सलाह मैं देता रहता हूँ हर गार्डनर को, हिबिस्कस में ऑर्गेनिक खाद यूज़ कीजिए, जो केमिकल फर्टिलाइज़र है बिल्कुल मत यूज़ कीजिए। केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो आपका पेड़ ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और इसे मुझे अलग करना होगा इस पॉट से। तो अभी तो आइडियल टाइम है, मैं देखता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिलता है अपने प्रोफेशन के चलते, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसे यहाँ से इस पॉट से निकाल के दूसरे पॉट में इसे ग्रो करने।